असला वेलकम टू वर्ड सोसाइटी और आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा आज जो है ना रैबिट फार्मिंग के ऊपर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि रैबिट फार्मिंग जो है ना किस तरीके से आपने स्टार्ट करनी है इसके लिए क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट होंगी खाने के अंदर इसकी डाइट के अंदर जो है ना आपने क्या चीजें इसके अंदर डालनी है क्या चीज निकालनी है और क्या चीज बेहतर रहेगी इनसे ब्रीडिंग कैसे लेनी है और बेसिकली ओवरऑल ये सारी चीजें जो है ना मैं आज कवर करूंगा तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं अच्छा तो यार लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया था कि रेपिड के जो मेघनियां होती हैं जो वेस्ट होता है उससे आप जो है ना किस तरीके से फर्टिलाइजर बना सकते हैं बहुत सिंपल सा है बस आपने उनको खुश करना है और उनको जो है ना किसी भी क्रशर के अंदर आपने लेके उनको क्रश कर लेना है उनका पाउडर बना लेना अब एक जो है ना तिहाई आपने रेपिड की जो है वो खाद ले लेनी है तकरीबन दो तिहाई जो है ना आपने मट्टी ले लेनी है उसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से तो आपकी ये इतनी जबरदस्त जानदार जो है ना वो सोयल तैयार हो जाएगी आप इसके अंदर जो पौधा लगाएंगे इनशाला आपको सबसे बेहतर जो है ना वो रिजल्ट मिलेंगे और जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि आपने क्या करना है जिस तरीके से आपने बनानी है और इसका जो यूजेज है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पहले ही दे दिया था तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वाई बटन पे जो है ना यहाँ पे जाके क्लिक कर ले ताकि आप लोगों को जो है ना वो ईजीली जो है ना आपको मेथड पता लग सके उसके यूजेस पता लग सके कि आपने किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है सबसे पहले कि रैबिट फार्मिंग क्यों करनी चाहिए और इसकी वजह वजूहत हाँ के हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेपिड फार्मिंग का फायदा क्या है सबसे पहले रेपिड फार्मिंग जो है ना कई वजुहत हाँ की बिना पे आप स्टार्ट कर सकते तो रेपिड फार्मिंग जो है ना बेसिकली वो गोश्त के लिए भी इस्तेमाल होती है इससे हासिल होने वाला लेदर जो कि आपके जूतों जैकेटों और इस तरह की मुख्त अशिया के अंदर इस्तेमाल होता है और इससे हासिल होने वाली खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हासिल होने वाले इसके जो पाओ और इसके कान या इसकी जो सिरे होती है उसके मुख्तलिफ किस्म के की चैन बनते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो रेपिड की डाइट है वो बेसिकली जैसे हम सब लोगों को पता है कुछ भी खा लेते हैं कुछ भी खाने से मुराद मुरादी है ना सब्जियों का वेस्ट के आप सब्जियां घर में खातन काटती हैं और जितने छिलके वगैरह बचते हैं आप उनको वो दे सकते हैं इसके अलावा आप इनको लूसन इसके साथ साथ इनको चौक दे सकते हैं ताकि इनकी प्रोटीन की जो है वो कमी पूरी हो सके ये इनकी बेसिकली डाइट में आप शामिल कर सकते हैं और एक चीज जो है ना मैं हर किसी को बताता चलूँ की जब मैंने रेपिड फार्मिंग शुरू की थी तो मैं दो बच्चे लेके आया था लेकिन एक दिन क्या हुआ कि फोरन से जो है ना रात को मैंने उनको खाना पानी दिया सारा कुछ उनको करके और बंद किया तो सुबह जब मैं आया तो वो दोनों मरे हुए थे तो बाद में वजुहत हाँ से मुझे पता लगा की जो मैंने उनको जो है घास वगैरह ला दिया था तो उसके अंदर पेस्टिसाइड मौजूद थी अब जिन लोगों को पेस्टिसाइड का नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ फसलों के ऊपर या किसी भी सब्जियों के ऊपर की जाने वाली वो स्प्रे होता है जो कीड़े मकोड़ों से उन्हें महफूज रखता है तो बेसिकली हम तो जानवर जो मतलब इंसान है वो धोके या छील के सब्जी इस्तेमाल करते हैं तो हम पे उनका कोई खातर खास तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब आप मेक श्योर sure करें कि आप खरगोशों को दे रहे हैं या किसी भी जानवर को दे रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से धो के दें ताकि उन पेस्टिसाइड्स का असर किसी जानवर पे ना हो तो ये एक चीज होगी तीसरे नंबर पे कि आपने अगर रैबिट फार्मिंग करनी है तो क्या आपको रैबिट फार्मिंग करने के लिए एक जमीन दरकार होगी या आपने किस तरीके से रेपिड फार्मिंग कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा आप इनसे प्रॉफिट समेटे सबसे पहले आपने करना यह जिन लोगों ने शहरों के अंदर रेबिड फार्मिंग करनी है तो मैं उन लोगों को बताता चलू कि वो बिल्कुल रेबिड फार्मिंग कर सकते हैं और उन्हें किसी भी किस्म की जो है ना वो जमीन की जरूरत नहीं है आप लोगों ने केजेस बनाने हैं और एक केज के अंदर एक साइड पे आपने ऐसा डब्बा रखना है जो चार में से तीन अतर से जो है ना वो ढका हुआ हो यानी कि ऊपर से और साइडों से और बैक साइड से ढका हो एक साइड उसकी खुली हो और एक साइड के अंदर भी आपने आधी साइड उसकी ढकी हुई हो ताकि फीमेल उसके अंदर जाके इजिली बच्चे दे सके तो ये एक जो है ना शहरों के अंदर इस्तेमाल होने वाला सबसे सक्सेसफुल तरीका है जिससे आप रेपिड फार्मिंग के अंदर खातिर खा सक्सेस हासिल कर सकते हैं अच्छा तो यार इससे ब्रीडिंग भी जो है ना तो बहुत आप इजीली करवा सकते हैं जो खर, खरगोश है ना ये दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले जो है एनिमल है तकरीबन आप देख सकते हैं कि जो फीमेल है वो हर महीने बच्चे जो है ना वो देती है तो शुरू में पहले या दो दूसरा क्लच जो होता है वो पांच या छह बच्चों का होता है तो उसके बाद जो मार्शला से जो है ना दस से बारह बच्चे भी जो है ना क्लच के अंदर आ रहे होते हैं तो ये बेसिकली करनी है और एक मेल के साथ आप नॉर्मली दो या तीन फीमेल्स इजीली रख सकते हैं मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप तीन फीमेल्स रखें तीन फीमेल्स रखने का ये आपको फायदा हो जाएगा कि जो भी फीमेल प्रेगनेंट होगी आपको पता लग जाएगा आ, बच्चे देने वाली होगी उसको आप जो है ना दूसरे केज में शिफ्ट कर सकते हैं और वो वहां पे बच्चे दे देगी नॉर्मली होता ही एक मेल के साथ अगर आप एक ही फीमेल रखते हैं तो होता ही है कि नॉर्मली वो बच्चों को मार देते हैं या, या दोबारा ब्रीडिंग करने दोबारा क्रॉस करने की वजह से तो कोशिश करें एक मेल के साथ फीमेल तीन रखें या दो भी रख लें तो जब फीमेल जो है ना जो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको जो है ना दूसरे केज में शिफ्ट कर दें ताकि बच्चे वो जब इजिली दे दे तो उसके बाद जो है ना बच्चों की देखभाल ईजिली हो सके तो इस तरीके से आप ब्रीडिंग इनसे करवा सकते रेबिड फार्मिंग के पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो रुझान रिसेंटली आ चुका है और बहुत सारे लोग इसको जो है ना अपना रहे हैं देसी रेबिड के साथ साथ लोगों ने जो है ना बाहर से भी रेबिड इंपोर्ट किए हैं और बाहर से जिन रेपिड को इंपोर्ट किया गया उसके अंदर न्यूजीलैंड वाइट अंगूरा के और जो है ना इस तरह के कई बनीज जो है ना बेल्जियम से और इन इलाकों से इंपोर्ट किए गए हैं ताकि रेबिड फार्मिंग के अंदर जो है ना खासा सुधार लाया जा सके तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी आप लोगों को जैसे बताओ कि अंगूरा रेबिड के ऊपर जो है ना खासी मेहनत की जा रही है कि उससे हासिल होने वाला सिल्क काफी जो है ना मलायम और काफी महंगा बिकता है तो आप लोगों को भी जो है ना मैं सजेस्ट uh, करूंगा कि आप लोग भी रैबिट फार्मिंग की तरफ आए अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं मुर्गियां पाल रहे हैं तोतों का कारोबार है आपका पेजनरी के ऊपर आपने कारोबार किया हुआ है या इस तरह का कोई भी कारोबार आप कर रहे हैं तो उसके साथ छोटा सा रैबिट फार्म भी आप ओपन करें आप एक पेड़ से शुरुआत कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कुछ चंद माह के अंदर आपकी प्रोडक्शन कई गुना फैल चुकी है तो ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनानी थी ताकि आप लोगों को पता लग सके कि रैफिड फार्मिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा इसी के साथ अल्लाह हाफिफान